अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अदनान अहमद है। मैं ऑटिज्म ट्रेनर हूँ। मैं ऑटिस्टिक बच्चों को थेरेपीज देता हूँ और उनके पेरेंट्स को भी सिखाता हूँ कि कैसे घर पे बैठ के अपने बच्चों को थेरेपीज दें। ये अहमद बच्चा है, आप इसकी वीडियोस देखते रहते होंगे। आज जो मैंने आपको सिखाना है वो आउटडोर से मुतालिक सिखाना है। आउटडोर से मुतालिक मेरा लेक्चर नंबर 71 मैंने इब्राहिम एक बच्चा है उसके साथ मैंने बनाया था। उसमें मैंने बताया था कि इनडोर में भी आपने कंप्लायंस में करना है और उसकी कंप्लायंस की कंटिन्यूटी में आपने आउटडोर लेके जाना है। और आउटडोर में जाने से पहले पैसेज होता है, उस पैसेज से गुजर के उस पैसेज में भी कंप्लायंस लेनी है तो हम आउटडोर में उसके बाद काम करा पाते हैं। तो पहले हमने इनडोर कंप्लायंस करनी है। जब इनडोर में अच्छी हो जाए उसकी कंटिन्यूटी में हमने उस पैसेज पे, चाहे वो सीढ़ियाँ हैं, गेट है, कॉरिडोर है, वो जगह उत्तर का जहाँ से रास्ता बाहर की तरफ जाता है, आउटडोर की तरफ जाता है, वहाँ पे कंप्लायंस करनी है। और उसके बाद हमने आउटडोर की भी कंप्लायंस करनी है। वो 71 लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। सेम इस बच्चे के साथ भी ऐसे ही करना है। तो आज मैंने ये 71 लेक्चर की कंटिन्यूटी में जो लेक्चर में आपको बताया जो बताने लगा हूँ कि पहले आपने 71 वॉच करना, उसके बाद ये वाले लेक्चर और उसके बाद के लेक्चर आउटडोर वाले। जैसे जैसे मैं बनाता रहूँगा तो आपको बताता रहूँगा, तो आपने वो भी वॉच करने हैं और उससे आपने गाइडेंस लेनी है। अब आउटडोर का मकसद हमारा क्या होता है, ध्यान रखिएगा। आउटडोर का हमारा मकसद ये होता है कि हम इसको कभी किसी पार्टी में लेके जा रहे हैं, किसी रिश्तेदारों के घर में जा रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट जा रहे हैं, कोई मॉल में जा रहे हैं, कोई शॉपिंग सेंटर में जा रहे हैं। तो हमने बाहर जब भी बच्चे को ले जाए तो हमें हमारी कंप्लायंस मिले और अग्रेशन ना दे, बिहेवियर ना दे। जिन जिन बच्चों के, जिनका तमाम ऑटिस्टिक बच्चों के आउटडोर में सबसे ज़्यादा बिहेवियर्स होते हैं, वो उसकी वजह क्या होती है? बिहेवियर्स की वजह ये होती है कि वहाँ बाहर चेंजेस बहुत होती हैं, रियल चेंजेस बहुत होती हैं, साउंड्स की चेंजेस बहुत होती हैं, हवा चल रही है तो टच की चेंजेस बहुत होती हैं। कोई बच्चा इनको सलाम करता, कोई शख्स इन बच्चों को सलाम करता तो उसकी चेंजेस होती हैं, जिन चेंजेस की वजह से बच्चा को जो है मेल्टडाउन में जाने लग जाता, वो कंट्रोल नहीं हो पाता। तो आपने आज का लेक्चर और जो 71 लेक्चर की कंटिन्यूटी में, जो कि मैं आज के लेक्चर और बाकी लेक्चर भी इसके हवाले से दूंगा, तो उसमें मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आपने कंटिन्यूटी में अगर आप करेंगे और इस प्रोसीजर के जरिए करेंगे तो दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी मॉल में आप बच्चे को लेके जा सकते हैं, किसी के घर भी लेके जा सकते हैं और बच्चे के बिहेवियर्स भी जीरो होंगे। तो आपने जीरो बिहेवियर्स के साथ बच्चे को कंप्लायंस में कैसे करना है वो आज मैं आपको उसका तरीकाकार बताऊंगा। अब देखिए, मैंने अभी थोड़ा सा वो बिहेवियर दे रहा, तो आपने उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, जैसे थोड़ी सी स्टिमिंग कर रहा था, सबसे पहले उसके लिए बच्चे को आपने पीछे से, जब भी आपने बच्चे के बिहेवियर पे काम करना है तो आपने पीछे से करना है, ना आपका फेस इसकी तरफ हो, वर्बल तो बोलना ही नहीं। अभी तो चूंकि मैं इंडोर हूँ, यही इंडोर की कंटिन्यूटी में मैं आउटडोर भी ले जाऊंगा, पैसेज के साथ लेके जाऊंगा, तो इंशाल्लाह वहां पैसेज पे भी जो आउटडोर जाने का रास्ता है वहां पे भी मुझे कंप्लायंस देगा और आउटडोर लेके जाऊंगा वहां पर भी मुझे कंप्लायंस देगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपने बच्चे को कंप्लायंस में करने के लिए आपने उस, ना उसे आई कॉन्टेक्ट देना है, ना उसे आपने उसकी तरफ फेस करना है, ना वर्बल बोलना है, और जो आपने टच करना है वो भी मैक्सिमम, सो आइडियल टच है वो है आपने 1 से 1.5 सेकंड या मैक्सिमम 2 सेकंड का टच करना है, और बहुत ज्यादा बिहेवियर हो तो आपको 10 सेकंड से कम का आपने टच करना है, यानी 7 सेकंड 8 सेकंड, और सबसे जो आइडियल है, जो बेस्ट टचिंग है वो आपकी 1 से 1.5 सेकंड की है। और वो कैसे होनी चाहिए, और वो आप जितनी नंबर ऑफ टच ज्यादा कर ले बेशक कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, एक टच मैंने, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां, चौदहवां, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अट्ठाईस, उनतीस, तीस, ऐसे आप मैक्सिमम आप हजारों टच भी दे सकती हैं, जिसमें पाँव का टच भी देना है ताकि बच्चा कहीं पे, चूंकि इस वक्त स्टैंडिंग करा रहे हैं, आउटडोर में भी ज्यादातर इसकी स्टैंडिंग ही चलेगी, तो स्टैंडिंग भी हमने करानी है स्कूल के, स्टैंडिंग करने के साथ भी बच्चा हमें कंप्लायंस दे, और सिटिंग भी कराएंगे, मैं ये चेयर भी बाहर लेके जाऊंगा ताकि ये बाहर आउटडोर में कहीं पे आप इसको पार्क वगैरह में बिठाएं, किसी जगह पर आप इसे बेंच पे बिठाएं या खड़ा दें तो ये इजीली ठहरे और इजीली बैठे कंफर्टेबली, और कोई बिहेवियर ना हो बच्चे के। इस अंदाज से आपने काम करेंगे तो आपको कंप्लायंस मिलेगी, आप बच्चे के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी इस तरह का आपने एक टच देना है, ऐसे स्टक स्टिल टच नहीं देना है ऐसे, वरना वो क्या बन जाएगा, सेंसरी बन जाएगा। हमने सेंसरी पे काम, टच के सेंसरी पे नहीं करना आउटडोर में, जब तक कि इनडोर में सेंसरी पे काम ना हुआ फिर हम आउटडोर में दे सकते हैं। और टच के साथ के साथ ये मैं आपको पैटर्न बनाने के लिए कह रहा हूँ, रैंडमाइजेशन तो होनी है। अगर आपने हाथ पकड़ा हुआ ये टच
मुस्तकिल पकड़ा हुआ है। कभी आप ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस इस अंदाज से आपने या मैं आपको इसे दे रहा तो कांस्टेंट टच हूं लेकिन ये सेंसरी क्यों नहीं है चुपके में इन हाथों को हिला रहा हूं। आप ऐसे टच के साथ स्टिमिंग पे काम करते हुए यानी वो बच्चा स्टिमिंग ना करे क्राय ना करे चाहे वो बॉडी की मूवमेंट की स्टिमिंग है चाहे वो उसकी वोकल स्टिमिंग है उसके लिए क्राय ना करे। आपने इस अंदाज से उसके जो है फेस पे और लिप्स पे बंद करने हैं इस अंदाज से और एक एक सेकंड डेढ़ डेढ़ सेकंड के लिए ये ऐसे करके टच करके ये मुफ्त में प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। जितनी नंबर ऑफ प्रॉम्प्ट ज्यादा दें उतना ज्यादा अच्छा है। 50 दें 100 दें 150 दें 40 दें 20 दें 30 दें ताकि आप जब जब भी बच्चे के साथ देखें जब जितना भी मैं बच्चे के साथ बात कर रहा हूँ आपके साथ यानी आपको बताते हुए तो मैं क्या कर रहा हूँ साथ अपने हाथों की मूवमेंट कर रहा हूँ। ये आप मूवमेंट जरूर करते रहें। हमारा क्या होता है कि हम स्टिल पकड़ लेते हैं बच्चे को नहीं जब स्टार्ट देना बच्चे को आउटडोर में लेके जाना है। अभी तो मैं इंडोर में बैठा हूँ रूम में जब मैं आउटडोर में जाऊँगा तब मैं आपको वहाँ पर भी यही सेम चीज करके दिखाऊंगा। तो आपने अपने हाथों को क्या करना है मूव करते रहना लेकिन पकड़े रहना अगर आपने हाथ पकड़े हैं तो और अगर आपने हाथ इसके नहीं पकड़े हुए छोड़े हुए हैं तो आपने ऐसे ऐसे करके एक एक डेढ़ डेढ़ सेकंड का टच देते रहना और कोई वर्बल नहीं बोलना पाँव पे भी ऐसे करके इस अंदाज से करेंगे तो और पीछे बच्चे के पीछे ठहर के करेंगे तो अच्छी कंप्लायंस मिलेगी। जब आप पीछे ठहर के करेंगे ये नहीं और जिन जिन चीजों से आउटडोर में इसको सेंसरीज होंगी ऑब्सेशन होंगी तो वो भी आपने अगले एक्सपोज को इस वक्त अगर आप दिखाएं तो ये डोर है डोर से इसको अगर ऑब्सेशन है आउटडोर में यानी अगर कहें कोई भी जितनी भी चीज है तो आपने आप इसके बच्चे की तरफ दिखाएं तो आपने क्या करना है इसको ऐसे करके इधर करके ऐसे करके ठाक ताकि उसकी सेंसरीज और ऑब्सेशन बने ही ना जिन जिन चीजों से हो आपने उसको उसी एक्सेस में ही आपने उसको रोटेट कर देना है 360 पे। अगर फिर भी उसके बिहेवियर चल रहे हैं तो आपने उस सीन से उसको निकाल देना है। उसका तरीका कार्य होता है ऐसे करके आपने ऐसे करके तो चला के ऐसे निकाल दिया। अभी मैं आउटडोर में भी कराऊंगा मैं आपको इनडोर में थोड़ा सा लेआउट बताना चाह रहा हूँ कि भी आपने किस अंदाज से चलना है आपको मैं उसके लिए ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने मॉडल देना चाह रहा हूँ ताकि आउटडोर में मैं अभी जाऊँगा तो वहां पर भी आपको अच्छी कंप्लायंस दे। लेकिन रखना अपने आपको पीछे जब बच्चे का बिहेवियर काम होगा तो हम इसके आगे भी जाएंगे। इसको आई कांटेक्ट भी देना है तो इसके लेवल पे नहीं देना आई कांटेक्ट देखना है इसे ताकि जब देखेंगे तो पता चलेगा कि कोई बिहेवियर तो नहीं है लेकिन हमने जो आई कांटेक्ट देना है वो हमने इसके लेवल पे नहीं आई कांटेक्ट उसको नहीं देना बल्कि अपना हाइट यानी अगर आपकी हाइट ज्यादा है यानी जैसे अभी इसकी हाइट छोटी है मैं ऊपर से मैं इसको पूरी बॉडी में देख सकता हूँ अगर मैं स्टैंडिंग करके किया हुआ है मैंने और पीछे से मैं देख रहा हूँ और अगर मैं इसके लेवल पे ऐसे करके देखने लग जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा आई कॉन्टर। मैं अभी इसे देखना नहीं चाह रहा क्योंकि मैंने अभी इसे आउटडोर लेके जाना है आपने इसकी तरफ देखना ही नहीं आपने मैं ऐसे करूंगा तो वो फिर डुअल पे काम होने लग जाएगा यानी बिहेवियर पे भी और प्लस उसके आई कॉन्टेक्ट भी जो उसके लिए टॉलरेबल नहीं है। इसलिए आपने पहले दिन भी आप बच्चे को आउटडोर किसी वक्त भी करा सकते हैं लेकिन पहले अगर आपकी इनडोर में सिटिंग स्टैंडिंग और वॉकिंग पे काम हुआ है तो आउटडोर आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए माशाल्लाह इसने अच्छा देखिए अब यही सेम प्रोसीजर में अब आपको आउटडोर पे भी करा के लिए दिखाता हूँ। अब देखिए मैं इसको इस अंदाज से टच कर करके लेके जा रहा हूँ और एक एक डेढ़ डेढ़ सेकंड का ही टच दे रहा हूँ। इसके बाद अगला जो आपने काम करना है वो क्या करना है जब भी आप बच्चे को चलाएं अपने पीछे भी चला सकते हैं और अपने आगे भी चला सकते हैं लेकिन आपने इसकी तरफ देखना नहीं है। सबसे बेस्ट है कि जहां पर आपको कंप्लायंस मिल रही है आपने वहां पर अगर वो पीछे की तरफ मिल रही है तो आपने पीछे की तरफ ऐसे करके रखना है उसको और अगर आगे की तरफ मिल रही है तो आगे करके ऐसे करके पकड़ना है। अगर उसके बिहेवियर ज्यादा होते तो मैं इसको पीछे रखता क्योंकि इसके बिहेवियर काम है इसलिए मैंने इसको यानी आगे की तरफ भी रख सकता हूँ उसको ऐसे करके वरना हमने इसको पीछे की तरफ भी अगर हम इसको रखवाएंगे यानी अपने से पीछे की तरफ करेंगे इसको तो ये तब भी हमें अच्छी कंप्लायंस दे जब अच्छी कंप्लायंस देने लगे तो आप उसे अपने से आगे भी कर सकते हैं। ये इन सब पे मैं पैटर्न डाल चुका हूँ आज मैं आपको इसकी डिटेल बता रहा हूँ। एक और जो इसमें चीज का जितनी मैंने बातें बताई उन सब पे आपने काम करना जब तक आप उन सब पे वन बाय वन काम नहीं करेंगे आपको कंप्लायंस और आप उसके बिहेवियर को कंट्रोल आउटडोर में नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद क्या है जब भी आपने बच्चे को लेके जाना है मैं एक चेयर भी उठा लेता हूँ उसकी जब भी आपने बाहर जाना है बच्चे को लेके तो आपने वेट करा करा के लेके जाना है वेट करा करा के ले जाना है। ये नहीं कि हम क्या करते हैं अचानक से बच्चे को उठा के पकड़ के लेके चल गए नहीं आपने दो कदम रुक के चल के फिर ऐसे वेट किए
ये रोका भी मैंने इसको, फिर से मैंने 2 feet आगे किया, उसके स्टेप अहेड किया, तो उसके बाद मैं रुक गया, फिर मैंने जनाब जी 2-3 कदम आगे किए, फिर रुक गया। यानी कि जितना आप उसको वेट करा करा के लेके जाएंगे, मैं चीज उठा रहा हूँ कोई नहीं, तो जितना आप वेट करा करा के लेके जाएंगे आपको इसमें कंप्लायंस मिलती रहेगी, उसकी अर्ज पैदा होगी, अर्ज पैदा होगी तो बच्चा क्या करेगा, वो चाहेगा कि मैं बाहर जाऊं, और जब बाहर जाएगा तो फिर उसको कंप्लायंस जितनी आप, अभी वो पैसेज है जिस पैसेज में मैंने इस बच्चे को जो है ना बाहर लेके जाना है, यानी मैंने बताया था पहले इंडोर में, इंडोर की कंप्लायंस कंटिन्यूटी में हमने पैसे से गुजरना है, 71 लेक्चर में मैंने ये बताया, और उसके बाद उस पैसे से गुजर के हमने आउटडोर पे भी जाना है। अब ये देखिए मैं इसको इधर आगे लेके आ गया, अब इसके जो शूज है मैं वर्बल कुछ नहीं बोलूंगा, हम क्या करने लग जाते हैं गलती, वर्बल बोलने लग जाते हैं, आई कॉन्टेक्ट देने लग जाते हैं, जिससे बच्चा बिहेवियर में चला जाता है। और देखिए मैं मुसलसल क्या कर रहा हूं, उसके हाथों को हिला रहा हूं, इससे क्या फायदा, इससे फर्क ये फायदा ये होगा आपको कि ये उसको प्रॉम्प्ट, मेरी फिजिकल प्रॉम्प्ट मुसलसल मिल रही है, और अगर मैंने हाथ छोड़े हुए हैं तो मैं ऐसे ऐसे करके उसको दे सकता हूं, पांव पे भी दूंगा ताकि वो वॉक ना कर सके, क्योंकि आइडल स्टैंडिंग और आइडल सेटिंग और आइडल वॉकिंग इनडोर में अल्हम्दुलिल्लाह इसकी हो चुकी है। अब मैं चाहता हूं जो आउटडोर में अच्छा बिहेवियर दे, यानी कोई क्राई ना करे, कोई मेल्टडाउन में ना चल जाए, स्क्रीमिंग ना करे, हाइपर एक्टिव ना हो जाए, उससे बचाने के लिए आपने पहले इनडोर की क्वांटिटी में पैसेज भी करते हैं, फिर पैसेज से आउटडोर में चले जाते हैं। अब जब ये अच्छा हो गया, मैं चाहता हूँ ये शूज पहने, तो शूज पहनने के लिए भी क्या करूंगा, फिजिकली मैंने इसके देखे इसने शूज पकड़े हैं, कोई वर्बल, हालांकि इसको शूज वर्बल भी पेरेंट ने सिखाया हुआ है, लेकिन मैं इधर वर्बल नहीं बोल रहा, क्यों, चूंकि मैं आउटडोर में लेके जा रहा हूं बच्चे को। देखिए वो शूज उसी के हाथों से, चूंकि ऑक्यूपेशनल मोटर स्किल्स पे काम होता है, तो आप उसके हाथों से जो है मूवमेंट भी मेरी हाथों की चल रही है, उसकी बॉडी की मूवमेंट भी चल रही है, प्लस मैं उसके हाथों से ही शूज उसको होल्ड करा रहा हूं और उसको पहना रहा हूं, ताकि उसको अपने हाथों से पहनने की आदत हो। जब उसको अपने हाथों से पहनने की आदत हो, फिर खुद से भी पहनेगा। यानी हमने फिजिकल प्रॉन्ट से उसको इस अंदाज से शूज उसके देखिए, मैंने ये स्ट्रैप को पकड़ा और उसके अभी ये इसने निकाल दिए शूज अपना जो है हील, मैंने उसको अंदर किया और इसके स्ट्रैप को होल्ड करा के, अभी मेरा ये डिसऑर्डर नहीं चल रहा, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं आपने वर्बल नहीं बोलना इसे, आपस में आप अगर 2-4 अफराद हैं, जैसे मैं आपसे वर्बल बोल रहा हूं वो आप बोल सकते हैं, लेकिन बच्चे से आपने वर्बल नहीं बोलना। सर ये इसके बाद आपने क्या करना है, मैं भी अपने भी शूज पहना हूं ताकि उसको जितना उसको वेट की आदत डालेंगे, जैसे इसको मैंने वेट करवाया हुआ है, तो जितना आप इसको वेट कराएंगे उतना आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, उतना इस बच्चे की अर्ज पैदा होगी, अर्ज पैदा होगी तो बच्चा आपको कंप्लायंस देगा। इधर भी मैंने इसको किया, मैंने क्या किया, इधर वेट करा के इसको, ये देखिए मैं उसको दे रहा हूं, ये मैं हैंड भी वॉश कर लेता हूं, जितने ज्यादा टच देंगे उतना ज्यादा आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और अगर आप टच के अगर आपने हैंड कॉन्स्टेंट उसको पकड़ा हुआ, तो आप उसको ऐसे ऐसे करके हिलाते रहेंगे, कभी ऐसे करेंगे, कभी ऐसे करेंगे, कभी ऐसे कर लेंगे, 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 ये सारा जो है एक ही जगह पर अगर स्ट्रेंथ कर लेंगे तो उसके लिए क्या बन जाएगा, सेंसरी बन जाएगा, जिससे वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा बिहेवियर देगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, या इस अंदाज का टच है अगर आपने हाथ छोड़ने हैं तो, और अगर आपने हाथ कांस्टेंट पकड़ने हैं, शोल्डर पकड़ने, तो आपने ऐसे करके, फिर कभी ऐसे करके, कभी ऐसे करके, मुसलसल आपने इसको ऐसे 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 करते रहना। ये आपको क्या देंगे, उसको मुफ्त प्रॉम्प्ट्स दे होंगे कि भाई जिन जिन चीजों से उसको सेंसरीज हैं, ऑब्सेशन है, ताकि वो उसकी तरफ इंडल्ज ना हो, उसकी तरफ देखे ना, बल्कि वो हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। इसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए माशाल्लाह ये स्टैंडिंग किया हुआ है इसने, फिर मैंने इसको क्या किया, इधर इधर से जनाब जी इसको
इधर ठहरा दिया और ठहराने के बाद इधर भी ठहराने के बाद इसको टच दे दिया। हर स्टेयर पे आप बच्चे को ठहरा सकते हैं, हर स्टेयर पे उसको चला सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसको अच्छा रिस्पॉन्स देगा। देखिए मैं फिर इसको स्टेयर से नीचे उतारा, फिर से नीचे उतारा, स्टेप डाउन कराया, लेकिन मैं वर्बल नहीं बोल रहा, हालांकि मैंने इसके स्टेयर पे भी काम किया हुआ है लेकिन मैं वर्बल नहीं बोल रहा। तो आप देखें ये स्टेयर उतारा है और उसके बाद मैं कह रहा हूँ इधर मैं वर्बल नहीं बोलूंगा बल्कि उसको ये देखिए मैंने अगर मैंने बिट्स में टच देना है तो मैंने अब आगे आगे भी किया तो मैंने इसकी तरफ फेस नहीं किया, हाँ खड़े होकर मैं इसकी तरफ देख सकूं फेस, क्योंकि लेवल मेरा सेम नहीं होगा अगर वो मेरी हाइट बड़ी है, सेम लेवल पे अगर आपने कभी देखा भी तो एक सेकंड के लिए देख सकते हैं बस, इससे ज्यादा नहीं। बाकी आपने देखी जैसे ही मैंने उसको देखा मैंने चेयर उठाने के लिए आया ऊपर, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जहां पर मैंने उसको स्टेयर्स पे जिधर भी ठहराया पहले ये नहीं ना स्टेयर्स पे ठहरता था ना आउटडोर में कहीं पे भी ठहरता था, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठहरने लग गया है। मेरा जहां दिल करेगा मैं उसको जैसे दिल करेगा ये देखा मैंने उसको इधर करके ठहरा दिया। अब जरा वॉच कीजिएगा देखिएगा ये जरा कैंडी डोर खोल कर पूरा डोर खोल, अब देखिए माशाल्लाह ये इधर करके इस तरह हम इस पर ठहरा, मैंने क्या किया मेरा लेवल चूंकि सेम हो गया मैंने इसको ऐसे करके टच करके करा दिया। देखिए मैं इधर स्टेयर्स पे भी इसको वेट बहुत ज्यादा कराया, यानी आपने वेट भी कराना है और अगर आप कांस्टेंट उसका हाथ पकड़ा हुआ है तो आपने उसको मूव कर देना है अपने हैंड्स को और फेस को भी अपने हाथों से उसको फेस को पकड़ने हैं मूव करते रहे हैंड्स को, और अगर आपने कांस्टेंट उसका हाथ या शोल्डर या नहीं पकड़ा हुआ तो फिर आप क्या करेंगे आप बिट्स में इसको इस अंदाज से एक एक डेढ़ डेढ़ सेकेंड का जितने मैक्सिमम काउंट देंगे उतना ज्यादा अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। जब ये अच्छा हो जाए उसके बाद देखिएगा मैं इसको फिर से इसको चेयर्स पे उतार रहा हूं, जब जब आप उतारे हैं उसके साथ फिर आपने वेट इसके वेट पे भी काम हुआ है, स्टेयर से नीचे उतरा और उसके बाद हमने वेट भी किया, फिर स्टेयर से उतरा स्टेप डाउन किया मैंने और उसके बाद मैंने वेट भी किया ताकि उसको इधर भी अगर मैं जहां जहां चाहूंगा मैं उसको ये देखिए फिर से मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसे जरा थोड़ा सा दूर हो जाऊँ डिस्टेंस फेड करूँ, तो मैंने उसको पहले कॉन्स्टेंटली टच किया देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ठहरा शुक्र है। अब मैंने फिर क्या किया इसको फिर से इसको स्टेयर से और नीचे उतारा, अब मैंने इधर फिर से वेट कर लिया। जब जब आपने अगर कांस्टेंट पकड़ा हुआ है तो आप हिलाते नहीं भी स्टार्ट में, बाद में नहीं भी लाएंगे जब बच्चे का बिहेवियर कंट्रोल हो जाएगा, अगर ये बिहेवियर जब स्टार्ट में जाएगा तो मैं इसको हिलाता रहता हूँ मुसलसल ऐसे ऐसे इधर 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 पकड़ता रहता हूँ शोल्डर पर पकड़ लिया कभी ऐसे इस अंदाज से, और अगर आपने नहीं पकड़ना तो आपने इस अंदाज से जितने भी मैक्सिमम दे सके उसको प्रॉम्प्ट्स जितना मैक्सिमम देंगे वो आपको अच्छा, उसके बाद आप डिस्टेंस फेड भी कर सकते हैं ऐसे पार्क में है कहीं पे भी आपने सेम इसी तरह से करना सेम। और मैं इसको बाहर अभी मजीद लेके आ रहा हूँ देखिएगा अभी ये इधर आया हुआ है, अब मैंने इधर भी क्या किया इसको इसी अंदाज से चला दिया वहीं पे ठहरा है। अब आगे मैं क्या करूंगा इसको इसी अंदाज से दिखेगा हमें अच्छी तरह से यानी हम उसी कंप्लायंस में जहाँ पे हमने बच्चे को ठहराया हुआ है वहीं ठहरे। अभी ना इस वक्त आपको बच्चा नज़र आ रहा है ना मैं नज़र आ रहा हूँ ना मैं उसको देख पा रहा हूँ, ऐसे आप पहले थोड़ी देर के लिए फिर ज़्यादा देर के लिए आप स्टैंडिंग के साथ पहले ये हमने सिटिंग के साथ कराना है बाद में स्टैंडिंग के साथ, अभी मैं सिटिंग के साथ भी आपको दिखा दूँगा क्योंकि इसके दोनों पे काम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह आउटडोर पे हमें दोनों तरफ अल्हम्दुलिल्लाह देखा कल को आप रोड के किनारे गए जब तक ठहराएँ ठहराना चाहें तो वहाँ पर पहले कोशिश करें रोड से दूर हों
दूर ठहराएं, जब दूर ठहराना उसका अच्छा हो जाए, कंप्लाइंस में आ जाए, फिर आप रोड के करीब ठहराएं उसको, ताकि उसका वो रोड पे अचानक भाग ना जाए। अब तो माशाल्लाह इतनी अच्छी इसके पैटर्न डाले हैं, देखें माशाल्लाह, आप जरा आपको जरा दिखाईगा, बहुत दिखाईगा, लेकिन माशाल्लाह जहाँ पर भी मैंने जहाँ पर मैंने उसको ठहराया था वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही ठहरा, सेम ऐसे ही। अब देखिएगा अपने मजीद इसको अभी कर ले चला हूँ, ये देखिए इधर भी मैंने इसको ठहराया, बाकी मैं इधर भी इसको इसी अंदाज से जैसे जो है ले के ये ऐसे, अगर मैंने डिस्टेंस फेड करना है तो मैंने 25, 30, 50, 100 जितनी भी आपने एक एक डेढ़ डेढ़ सेकंड की आपने फिजिकल प्रॉम्प्ट देनी, आपने इस तरह से देनी और फिर आपने डिस्टेंस को फेड भी कर देना। मुझे भी दिखाने कितना फेड हो चुका और बच्चा देखें अलहमदिल्ला माशाल्लाह कम्प्लीट ठहरा है, कोई एग्रेशन नहीं है, शुरू में इसने एग्रेशन दिया था लेकिन अब उसका एग्रेशन आहिस्ता आहिस्ता कर दिया, थोड़ा स्टार्ट में एग्रेशन दिया था लेकिन अब कोई अब देखिए हम इनविजिबल भी होंगे हमें अच्छा ये रिस्पॉन्स देगा, जहाँ पे हमने इसको ठहराया वहीं पर ही ठहरा। आपके लिए कितना आसान है, आप बैंक में जाते हैं पेमेंट जमा करानी है, ग्रॉसरी शॉप में आपने पेमेंट्स देनी है तो वो आप पेमेंट्स भी दे रहे हैं और काउंटर पे, और बच्चे को जहाँ पर आपने कहा है वेट करो इधर मैम जी आ रही हूँ तो वहीं पे ही वेट, बल्कि हाइपर एक्टिव ना हो, आगे ना दौड़े ना, इधर उधर जाए ना, ज़रा टाइम दिखाईगा वो भी डिफिकल्ट था, मैं भी माता वो दुनिया को भी देख रहा हूँ और इस अंदाज से करें। आप मजीद देखिएगा इसको ऐसे दिखाते रहे, मैं ज़रा चेयर लेके आता हूँ, चलाया फिर मैं रुक गया, रोक रोक के भी जाना, फिर मैं रुक गया, फिर मैं रोक दिया। तो जितना आप उसको रोकेंगे चाहे दो दो सेकंड, पाँच पाँच, दस दस सेकंड, चार चार, पाँच पाँच मिनट, पंद्रह पंद्रह, बीस बीस, आधा आधा घंटा आप रोक रोक के चलाएंगे तो आपको अच्छी कंप्लाइंस देगा। जैसे मैंने बिठाया उसके बाद मैंने उसको क्या किया टच कर, उसके बाद देखिए अपना डिस्टेंस फेड हुआ, ना ये मुझे नजर आ रहा है ना मैं इसको देख पा। अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, सेम ऐसे सीटिंग देखें हर पोजीशन पे सीटिंग कराने के लिए, देखिएगा मैं इसको इस पोजीशन पे सीटिंग कराऊंगा ताकि वो हर जगह पे बैठ के हर पोजीशन पे आप बच्चे को, लेकिन छोड़ने से पहले आपने ये जो ये मैं इसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ इस अंदाज से प्रॉम्प्ट देखे देखें अल्हम्दुलिल्लाह बैठा रोड पर, ट्रैफिक भी देख रहा है, समझ भी रहा है, लोग आ जा रहे हैं देख भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बच्चे को हर जगह पर ऐसे सीटिंग स्टैंडिंग आउटडोर में, अभी मैं यानी बाद में मैं इसको उस पर भी वीडियो बनाऊंगा क्या, जिसमें पार्क में लेके जाऊंगा, गाड़ी में बिठाऊंगा, सब बताऊँगा बनाऊँगा और दिखाऊँगा उसमें भी आपने कैसे बच्चे को कंट्रोल कर सकते, आप इस अंदाज से बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल कर सकते। जब वो थोड़ा बहुत हिले वगैरह तो आपने क्या करना उसको टच भी देना ताकि वो हिले कौन आए सीधा स्ट्रेट पर बैठा, उसके लिए क्या एक एक डिजिट सेक्रीफाइज देखिए मैं कितने प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ उसको ताकि मैं अपना डिस्टेंस वेट कर सकूँ, और अगर आपने टेक लगानी है तो आप इसे टेक भी लगवा सकते हैं चेयर पे बिल्कुल बैक की तरफ सपोर्ट लेके बैठे ताकि उसका पॉस्चर सिटिंग पॉस्चर भी अच्छा हो। जब जब भी वो थोड़ा सा भी हिले थोड़ा सा भी करे तो आपने इस अंदाज से वर्बल नहीं बोलना बल्कि इसे फिजिकल प्रॉम्प्ट से बिट्स में कर करके, और अगर आपने कॉन्स्टेंट टच दिया तो आपकी मूवमेंट चल रही होगी। सेम जब आप इसको ऐसे करा लें, मैंने अंदर आपको बताया था कि अगर इस बच्चे को किसी चीज़ से सेंसरीज हैं, लेट्स सपोज इसको इस शटर से सेंसरी है, इस दुकान को आपने क्या कर देना इसको ऐसे कर देना,
अगर उसको इधर से सेंस लिया आपने ऐसे कर देना, रोटेट करना है उस सेंसर से बिल्कुल ऑपोजिट ठहरा देना और खुद पीछे ठहरे होना, खुद बस पीछे ठहरना कोशिश करें, स्टार्ट में पीछे ठहरें, बाद में उसको जब बिहेवियर कंट्रोल हो जाए फिर आपने इसके सामने भी आना, लेकिन पहले आपने हमेशा जब भी बच्चे के बिहेवियर पे आउटडोर पे काम करें तो उसके पीछे से ठहर के। अच्छा, यहाँ से अगर उसको हर एंगल पे उसको सेंसरीज हैं, फिर आपने उस पोजीशन से आगे इस तरफ करके लेके चल जाए ताकि उसका व्यू भी डिफरेंट हो जाए। हम ये गलती करते हैं, एक जगह से आप उसी जगह पे ठहरें लेकिन उसको इधर से उधर दो चार कदम इधर उधर ले जाएं, फिर दो चार कदम इधर ले जाएं, अगर इधर भी सेंसरीज हैं तो मैं इसको इधर ले जाऊँगा, इधर भी सेंसरीज हैं तो मैं इसको इधर ले जाऊँगा, इधर भी अगर सेंसरीज और ऑब्सेशन हैं इसको फिर मैं इधर ले जाऊँगा। ये आपने करते रहना है, ये शुरू ये जो स्टार्ट के 10-15 कदम हैं इसी में ही आप कर सकते हैं। आप एक्सेस में भी रोटेट कर सकते हैं 360, ये कि एक ही जगह पर 360 में मैं रोटेट कर रहा हूँ, प्लस आप क्या कर सकते हैं उसको डिफरेंट जगहों में भी ऐसे करके रोटेट कर। हमने तमाम पे काम करना है, एक्सेस में भी करना है और ये हम बिहेवियर को देखेंगे, अगर बच्चे का बिहेवियर काम है तो ठीक है, और अगर काम नहीं है वो ज़रा हाइपर एक्टिव हो गया, एग्रेशन दे रहा है, मार रहा है, हिट कर रहा है और ट्राई करा, तो आपने उसको डिफरेंट पोजीशन में आपने उसको लेके चले जाना है, यानी जैसे मैं इधर से इधर पोजीशन में लेके गया हूँ, फिर इधर से इधर लेके गया हूँ, ये आपने चीज़ें करते रहना है और चलाना भी आपने है और रोकना भी है, चाहे बच्चा आपके आगे चले तो भी आपने रोकना है, यदि मैंने इसको खुद रोका है फिर से मैंने आगे की तरफ गया फिर मैंने खुद रोका, अब अगर मेरे से बच्चा पीछे है तो मैंने पीछे अपने से पीछे फिर खुद रोका, फिर से उसको चलाया ये मैं खुद रोका हूँ, ये नहीं रुका, ये चलाना भी आपने अपने प्रेशर से चलाना है और आपने अपने प्रेशर से ही रोके रोकना है। इस अंदाज से आप अपनी आउटडोर एक जगह दूसरी जगह तीसरी जगह रोड पे हर जगह पर देखें, मैं इसके साथ ज़रा रोड पे लेके जा रहा हूँ, ज़रा देखने का रोक भी रहा हूँ मेरे आगे से, इस अंदाज से आपने ना आपने वर्बल बोलना है, ना आपने आई कांटेक्ट देना है और ना ही आपने कांस्टेंट सेंसरी पे काम करना है, स्टिल भी नहीं रखना अपने हाथ को, बल्कि हर 2-3 सेकंड बाद आपने जैसे मैं ऐसे किया तो मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मूव करते रहना है ताकि उसकी तवज्जो लॉस्ट हो जाता है, जो हाइपर एक्टिविटी कर लेता है जिससे उसको सेंसरीज होते हैं, ऑब्सेशन होते हैं, ताकि उसमें से वो निकल आए। अगर आपकी उसको मुसलसल स्टार्ट में किराए करता था लेकिन उसका किराए ख़त्म भी हो गया, इस अंदाज से ख़त्म हुआ जिस अंदाज से मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आपने सिटिंग के साथ स्टैंडिंग के साथ हर जगह पे, अब देखिए मैं इसको चाहता हूँ ये रोड पे बहुत सारी चीज़ें ट्रैफिक को देखे, मैं क्या करूँगा इसको चला के फिर मैं रुक गया, तो मैंने चलाया फिर मैं रुक गया, इधर चलाया और उसके बाद मैंने क्या किया, टच मैंने उसको दिया ताकि वो रोड पे हर चीज़ देखे, ट्रैफिक आ रही है, ट्रैफिक जा रही है, हर चीज़ को बहुत जा रहा है माशाल्लाह और कंप्लाइंस है। इस अंदाज से आप बच्चे को बनाएंगे, दुनिया की चीज़ों को देखेगा भी सही, ऑब्जर्व भी करेगा और लेकिन हमारी कंप्लाइंस भी करेगा, देखिए कैसे अलहमदिल्ला सिटिंग किया बैठा मैं, देखिए मैं ऐसे थोड़ा तो विजिबल हो रहा हूँ, मैं ये मुझे देख रहा ना मैं इसको देख रहा हूँ, वो थोड़ा सा झुका है आप देखें, वो थोड़ा सा झुका, मैं चाहता हूँ ये झुके ना, उसके लिए मैं क्या करूँगा फिर से मैं उसको प्रॉम्प्ट दे दूँगा, ये देखिएगा
लेकिन उस बच्चे को दिख रहा है माशाल्लाह वो ऑब्जर्व कर रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ को माशाल्लाह वो देख रहा है। मुझे भी दिखाएं देखें मैं कितना डिस्टेंस में उसके ठहरा हूँ। ऐसे आप सेटिंग भी करा सकते हैं घर के बाहर, फिर बाद में आप रोड पे भी, पार्क में भी, हर जगह पे आप उसको स्टैंडिंग करा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको ऐसे ही कंप्लायंस देगा। अगर आप ये रूल्स जो मैंने आपको स्टार्ट से लेके अब तक बताया अगर आप उसको फॉलो करें, सेम ऐसे करते हुए देखिएगा जब आपका काम हो जाए जो है इनडोर लेके जाओ, वो भी आपने लेके जाना है तो किस अंदाज से लेके जाना है, क्योंकि जब बच्चे इनडोर से आउटडोर ले जाते हैं तो बाद बच्चे उधर कराई करते हैं, फिर इनडोर आउटडोर से इनडोर ले जाते हैं फिर भी कराई करते हैं, मुझे इनडोर क्यों लेके जा रहे हो, उधर भी आपने किस अंदाज से लेके जाना है। ये वेट चला भी मैं खुद रहा हूँ और वर्बल आपने कुछ भी नहीं बोला, जब बिहेवियर कंट्रोल हो जाएंगे फिर हम वर्बल बोलेंगे। ये स्टार्ट में पैटर्न के लिए है, लेकिन मैं इसको वेट करा करा के कर रहा हूँ, फिर मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, फिर मैं वेट कर देगा। अब उसको उसकी इजरा हो रही मुझे अंदर क्यों लेके जा रहे हो, क्योंकि इनको जो सिखाते हैं उसी को रिपीट करते हैं। जितना आप उसको वेट कराएंगे उतना आपको अच्छी कंप्लायंस मिलेगी। हमने इसको वेट भी कराना है, मैंने इस चेयर को इधर कर दिया, अभी मैं इसको आगे ले जा रहा हूं। मैं देखा जितना अगर आप वेट करा के ले जाएंगे तो उसका किराया खत्म होगा, और अगर मैं इसको रोका हुआ तो मैं क्या करूंगा, हाथ पकड़ा हुआ है ना मैंने, तो फिर मैं क्या करूंगा इसकी थोड़ी थोड़ी मूवमेंट भी करता रहूंगा हाथों की, हर 2-4 सेकंड बाद मूव कर दूंगा, ऊपर कर दूंगा, अभी नीचे कभी ऐसे कभी इसके पाँव को टच कर दूंगा, मूवमेंट के साथ कराऊंगा। देखिए मैं फिर से एक स्टेप आ गया, फिर मैंने जितना वेट कराएंगे उसका किराया, अगर मैं इसको जल्दी से लेके जाता तो ये बहुत किराया करता, लेकिन चूंकि मैंने इसके पैटर्न अंदर डाले हैं आज उसकी प्रैक्टिस हो रही है चेंज के साथ, मोबाइल फोन की चेंज, और मैंने अब इसको इस तरफ कर दिया चूंकि इधर रीलिंग है तो ताकि रीलिंग वाली तरफ चले, मैं चाहूँ तो मैं इसको यही मैं इसको आगे की तरफ मैंने इसको कराया, लेकिन रोका भी खुद है और मूव भी खुद किया है। और अगर मैं इसे अपने फील्ड में आई थी मैंने आगे की तरफ उसको ऊपर कराया और मैंने अंदर रोक दिया, और अब मैं चाहता हूँ नहीं ये मेरे पीछे से चले, दोनों तरह से चलाने लगा, अब ये मेरे पीछे चल रहा है, चला भी मैं रहा कुछ भी मैंने किया उसके हाथ से और मैंने उसे रोका भी खुद है। ये देखिए अभी मैं इसको अपने से पीछे करा रहा हूँ, ये मैंने चला दिया, फिर से देखिए इस अंदाज से, फिर से देखिए, फिर से देखिएगा ये फिर कराया इसको, फिर मैंने इसको स्टेयर्स पे इधर रोक दिया, मैं चाहता हूँ मैं चेयर बाहर से लेके आऊँ तो मैंने इसको ऐसे करके रोक दिया, लेकिन उससे मैं अगर हाथ छोड़ना चाहता तो मैं क्या करूंगा इसको 10-15-20-25-30-100-150 जितनी मैक्सिमम दे सकें, एक एक 1.5 सेकंड भी ऐसे थे। और मैंने उसका हाथ छोड़ के मैं डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए जा रहा हूँ, तो इस अंदाज से हाथ छोड़ना इनडोर भी लेके जा सकता हूँ, इनडोर जाए अभी आपको ले जाके दिखा सकता हूँ, फिजिकली ले गया आप घर से बाहर जाना और बाहर से अंदर आना दोनों आपके लिए आसान है। रोक भी मैं खुद रहा हूं और चला भी मैं खुद रहा हूं, फिर से देखिए मैं रोक भी खुद रहा हूं और चला भी खुद रहा हूं, रोकता भी मैं खुद हूं, ये अपनी मर्जी से ना रुके ना ये चले, यानी इस चीज को और वेट करा करा के करना है फिजिकली। देखिए मैंने अगर अपने शूज उतारे मैं इसके शूज उतारूंगा इसी के हाथों से, कोई वर्बल नहीं बोलूंगा, फिजिकली देखें फिजिकली उसी के हाथों से ही शूज उतारे हैं और शूज उसी के हाथों से रखवाए हैं फिजिकली। और जब मैंने हाथ छोड़ने तो मैंने क्या करना है, उससे पहले 15-20 ऐसे राउंड दे देनी है। अब जरा देखिएगा इधर भी रूम के अंदर घर के अंदर ले जाना, वहां पर भी ऐसे वेट करा करा के ले जाएंगे, ये देखिए मैंने वेट करा दिया, घर से बाहर जाए तो भी ऐसे वेट, ये प्रॉन्ट्स दीजिएगा, घर के अंदर आए तो भी ऐसे वेट, मैं आगे से कर रहा हूँ, ये देखिए इधर से भी मैंने वेट किया, इधर से क्या इधर भी वेट किया, इधर भी मैंने वेट किया, अब मैं अपने से आगे किया, ये वेट किया और अब मैंने क्या किया इसको
नेक्स्ट एक सी और चेयर पे ऐसे करके बिठा के दे, और इसी अंदाज से अगर आप, मैंने कहीं पे भी कम रूम में घर में बिठा दिया, और अब आप जरा बाहर आइए अपनी जिंदगी के लिए। लेकिन अब मैंने उसको बिठा दिया, रूम में कोई भी नहीं है, मैं चाहता हूँ मैं एब्सेंस में उसको घर में बिठा के हाथ मुंह धो लूँ, कोई घर पानी पी लूँ, अब ये सारे काम कर सकता हूँ। मैं आपके सामने हैंड वॉश कर रहा हूँ कि भी जब भी आप बच्चे को घर में बिठाएं उसके भी बेशक हैंड वॉश करा सकते हैं, उसके भी मैं अभी कराऊंगा हैंड वॉश, हैंड वॉश कराएं, पानी पिए। और जब मैं इसके बाद, अब ये मेरी एब्सेंस में सब हो बैठा है क्योंकि उसकी सिटिंग पे काम इंडोर में सिटिंग स्टैंडिंग वॉकिंग पे हो चुका है, इसीलिए मैं आउटडोर करा पा रहा हूँ। आप इसी तरह से पहले सिटिंग के स्टैंडिंग और वॉकिंग इंडोर में अच्छा कराएंगे तो आप आउटडोर में करा पाएंगे, अदरवाइज नहीं करा पाएंगे। तरतीब यही है। अब देखिए मैं आपके सामने एक पानी भी पी रहा हूँ, जैसे मैंने पानी पी लिया आप देखें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए माशाल्लाह जहां पे बिठाया था वहीं पे बैठा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसी तरह से बच्चों के इनडोर आउटडोर वेट के साथ विदाउट आई कॉन्टेक्ट विदाउट वर्बल फिजिकल देना है तो बिट्स में करके देना है, एक एक डेढ़ सेकंड का अगर आपने डिस्टेंस क्रिएट करा। और अगर आप डिस्टेंस इसके साथ छेड़ना चाहते हैं तो आप उसके हाथों को, या अगर मैं अगर जैसे अभी मैं डिस्टेंस के साथ है, उसको हाथ कॉन्स्टेंट नहीं पकड़ा हुआ, तो मैंने उसको क्या किया इसी अंदाज ये एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो सेकंड की सैकड़ों राउंड दे सकते आपकी मर्जी जितनी दे, और वेट करा करा के करेंगे जिन जिन चीजों से ऑब्सेशन और सेंसरीज होंगे उन उस तरफ से उसका रुख डाइवर्ट कर देना किसी और तरफ कर देना, और जहां पर उसके से फिर भी अगर सेंसरी ऑब्सेशन है तो आपने उस पोजिशन से उसको किसी और तरफ कर देना है। 10-15 कदम के अंदर अंदर ही आप रेडियस में ही आपने इस बच्चे को स्टैंडिंग भी करा सकते हैं, सिटिंग भी करा सकते हैं, उसके बिहेवियर को कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन वो 10-15 कदम मैक्सिमम, इससे ज्यादा दूर नहीं लग जाएगा। लेकिन आप इस तरह से करके बच्चे को स्टैंडिंग भी करा सकते हैं और सिटिंग, और ये मैंने अभी आपको दिखाई भी है। आप इसी तरह से बच्चे के इनडोर से आउटडोर जाते हुए और आउटडोर से इनडोर जाते हुए इसी प्रोसीजर को फॉलो करें, इंशाल्लाह बच्चे का कोई भी बिहेवियर नहीं होगा, कोई हाइपर एक्टिविटी नहीं होगी अगर आप इस तरतीब से काम करेंगे। ऑटिज्म में जब तक तरतीब से काम नहीं होता तब तक हम इम्प्रूवमेंट ले नहीं पाते। आप इसी तरह से बच्चों पर खूब मेहनत करें, पेरेंट्स की लर्निंग के बगैर ऑटिज्म की रिकवरी नहीं, ये मैं कई लेक्चर्स में बता चुका हूँ और कई मेरा टाइटल भी यही रहा है डिफरेंट लेक्चर्स में और मैं बता भी चुका हूँ, तो इसलिए आप जहन रखें। मेरे पास पेरेंट्स बहुत सारे आते हैं, कहते हैं नहीं सर आप इम्प्रूव करें, कोई डॉक्टर थेरेपिस्ट ट्रेनर शैडो टीचर सिर्फ गाइडलाइन दे सकता है, करना पेरेंट्स ने खुद काम है। आप खुद घर में काम करेंगे, खुद समझेंगे इसको, तो इंशाल्लाह आप अपने बच्चे को इम्प्रूव और रिकवर कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ लर्न करने को मिला होगा। आप इसी तरह से खूब मेहनत करें अपने बच्चों के साथ इनडोर आउटडोर, और खूब अपनी लाइफ को इंजॉय करें और इन बच्चों को सिखाएं भी साथ। तो आप अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह का हमें नासिर है, अल्लाह हाफिज़।